हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन रियल ब्लॉग। लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग वो गुड नाइट फ्रेंड्स। तो ये है, रात से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं डाला था, मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो रात के बज गए हैं 8 और हम खाना वाना खा के सब बैठे हुए थे सब। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और बर्तन वर्तन वगैरह धुलना है तो वो भी डले थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर खाना वाना खा के बैठी थी तो मैं वही ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम की तरफ, बेडरूम की तरफ, वहाँ पे बैठूँगी, थोड़ी देर मोबाइल चलाऊँगी और इसके बाद फिर मैं। तो आज है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि के दिन का ये ब्लॉग है, लेकिन मैंने डालने का टाइम ही नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ काम लगा रहता था इसलिए इसमें डाल नहीं पाई। तो मैंने कहा चलो आज डाल देती हूँ, स्टार्ट कर दूँगी इतनी धीरे धीरे बना के। या मतलब शाम से स्टार्ट कर दिया था और सुबह दूसरे दिन का भी ब्लॉग बनाया, फिर इसमें मैंने कहा पूरा इकट्ठा डाल देती हूँ। तो अब नेक्स्ट दिन हो गई है यारे, कब से बनी है? दो तीन कौन सा व्रत किए थे, कौन सा पूजा बोलते थे आपको, मिठाई वगैरह जो भी होती दूसरे पोछ में डालती हैं, फिर वो सबसे श्रृंगार का सामान लेती हैं और फिर पूजा करती हैं और खाना खाती हैं, वो खाती हैं प्रसाद। तो बस वही पूजा चल रही थी और कथा सुनाती हूँ। तो करते जा रहे थे सब लोग और वहाँ पे पहुँच गए हैं मंदिर में। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर वहाँ से लौटने के बाद हम लोगों ने एक शादी थी रात में, तो फिर शादी में गए और बारात आई नहीं थी, तो हम लोगों ने खाना वाना खाया। बस खाना खाने के बाद फिर वहाँ से चले आए, क्योंकि बारात को काफ़ी देर थी, बारात आई नहीं थी। तो हमने कहा जब तो कब तक बैठे रहेंगे, तो बच्चे भी थे, उनको नींद आने लगी थी, तो बच्चों ने भी खाना वाना खाया और खाना खाने के बाद चले आए। डांस वांस चल रहा था, तो बस इसके बाद फिर हम लोग चले आए थे घर। तो निकल रही थी झांकी, तो फिर शिवरात्रि की हम लोगों ने झांकी देखी, क्योंकि झांकी निकल रही थी। देखे किचन पड़े हुए थे, मैंने कहा सिंक वगैरह जो थी साफ कर दूं और जो बर्तन जूठे पड़े हुए हैं उसको भी साफ कर देती हूं। तो बस वही मैं धुल रही थी। तो चल रहा था मोटर, तो वही पानी चल रहा था, मैं देखने गई थी कहीं का पानी बह रहा है क्या। तो हाँ, तो मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं और धुलने के बाद बस मेरी सिंक है साफ कर देती हूँ, क्योंकि छींटे वगैरह पड़ जाते हैं तो वो भी अच्छे नहीं लगते, निशान निशान से गंदी गंदी सी दिखने लगती है। और मैं अभी तो घर पे रही नहीं हूँ, बाहर थी एक दो महीने
के बाद आई हूँ घर पे, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था घर, तो पूरी एक हफ्ते तक तो पूरी सफाई की, और साफ़ करने के बाद अब साफ सफाई हो गई है। और बस तो मैंने कहा लाओ इसको, सिंक को भी रगड़ के साफ़ कर देंगे, खाना वाना बना बर्तन रखे, तो फिर मैं वही साफ़ कर रही थी, तो इसको भी अच्छे से चमका देती हूँ। चमकाने के बाद बस इसको पोंछ लूँगी, क्योंकि अगर पानी रहता तो पानी के ही निशान पड़ जाते हैं, सफ़े से बिंदी बिंदी छीटे जैसे पड़ जाते हैं। तो बस साफ़ करने के बाद इसको रगड़ के पोंछ दूँगी, और पोंछने के बाद फिर तो ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगी। बर्तन भी एक तरफ रख दिए, पानी निकल जाएगा इसके, बर्तनों को भी पोंछ के डलिया में सेट कर दूँगी। सब सामान रख देती हूँ यहाँ व्यवस्थित करके, क्योंकि रात में जैसा भी जो तक सब पड़ा हुआ था, तो मैं वही जा रही थी, मैंने कहा रूम में झाड़ू लगा देती हूँ, और इसके बाद बस लगाने के बाद फिर पोछा लगाऊँगी, पोछा लगा के नहा धो के चलूँगी। तो बस फ्रेंड्स, मैं नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ, और कुकर में रखती मैंने तहरी, तो मेरी तहरी बन रही है, और झाड़ू पोछा सब काम हो चुका है, बस नहा लिया है सब। नहाने के बाद मैं बस, तो फ्रेंड्स ये देखिए शिवरात्रि की झांकी है, तो झांकी निकल रही थी वो। फ्रेंड्स ये झांकी निकल रही थी शिवरात्रि के दिन, तो वही थे हम सब लोग देख रहे थे, देखते देखते रहते। तो मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।